नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोड़ा एस एकेडमी में। हम लोग जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कुछ स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं यूपी स्पेशल पे, तो यूपी के एग्जामों में और कुछ स्पेशल टॉपिक हैं जो आते हैं आपके यूपी के एग्ज़ामों में, जो स्पेशल चीज़ें आती हैं वो, जैसे कि मैंने कल इसके पहले के वीडियो में बताया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो कम्प्लीट कर लिया हमने एक प्रकार से, विविध में कह लीजिए या फिर आप जो है यूपी स्पेशल में उसको जोड़ लीजिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि स्पेशल विविध में रखिए इन चीज़ों को। तो उसके बाद फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लेटेस्ट मिनरल डेटा जो है आपके, उसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए ये अपडेटेड है, ये अभी मान के चलिए आप जून तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये जून तक का डेटा है, ठीक है, ये निकाल के हेड नोट्स में अपने मैंने बनाया है। दूसरी चीज़, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको हिडन नोट्स में मिल जाएगी, हार्ड कॉपी मिलेगी इसकी, उसके लिए आप aroda@gmail.com पे आप मैसेज भी डाल सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर टॉपिक कराए जा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो भी चार्जेस होंगे वहाँ पर डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। चलिए बिना देरी के कुछ डेटा देख लेते हैं। लेटेस्ट मिनरल डेटा, ये आप मान के चलिए यूपी के लगभग लगभग हर एग्जामों में आता है, हम अभी यूपी पे ही फोकस कर रहे हैं, अदर स्टेटों में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, पूछ ही लेता है। जैसे बीपीएससी में पूछ लिया था कि बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे होता है, उसके बाद फिर यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ पे है विश्व में, तो ये चीज़ें कुछ अदर एग्जामों में भी काम आती हैं। कहने का मतलब ये है कि इस लेटेस्ट मिनरल डेटा में इतनी डाइवर्सिटी है कि आप ये नहीं कह सकते कि यूपी में ही आता है, अदर एग्जामों में भी आ सकता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, जहाँ पर जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिना, ठीक, एल्यूमिना है, तो एल्यूमिना भारत में, भारत कौन से स्थान पर है और उसमें टॉप पे कौन है, पहले ये लिखा है, और जहाँ पर ज़रूरत लगी है भारत के राज्यों की कि रिजर्व कहाँ पर हैं, उसके बाद प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। देखिए मेरा मानना है बहुत ढेर सारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जितने कम से कम में आपका काम हो जाए, क्वेश्चन सही हो जाए, उतना करके जाइए एग्जाम में। तो अभी देख लेते हैं, पहला जैसे ये दे रखा है इन्होंने एल्यूमिना, इसमें टॉप पर आपका कौन है, चीन है, और इंडिया की रैंकिंग जो है वो फोर्थ है, टॉप पे कौन है, चीन है, और इंडिया की रैंकिंग फोर्थ है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि एल्यूमिना चीन है, इंडिया फोर्थ रैंक पे है, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम है, इस पे प्रोडक्शन के मामले में फिर चीन नंबर वन पे आ जाता है और इंडिया दूसरे स्थान पे है। और एंथोटाइट या एपेटाइट, इसको बोल सकते हैं एपेटाइट, एपेटाइट के मामले में भारत जो है वो कौन से स्थान पे है, 16वें स्थान पे है, और वेस्ट बंगाल आपका जो है वो रिजर्व में यहाँ पर टॉप पे है, भारत में रिजर्व में टॉप पे है। एस्बेस्टॉस एक पाया जाता है खनिज हमारे यहाँ, उसमें रूस प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे है, रूस रिजर्व के मामले में भी टॉप पे है, राजस्थान भारत में वो टॉप पे है। तो फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, चार चीज़ें हमने बताई हैं, एपेटाइट, स्टार्ट्स, हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि एबेस्टार्ट, एपेटाइट, एल्युमिनियम, एल्यूमिना, ये सब क्या होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है पहली चीज़ तो प्रोडक्शन के मामले में, गुयाना जो है वो रिजर्व के मामले में आपका है, और उड़ीसा प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों में भारत में टॉप पे है। भारत में अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, प्रोडक्शन या रिजर्व कहाँ पे है, तो वह है उड़ीसा में। इसी प्रकार से बेटोनाइट क्या है, या बोरोनाइट बोल सकते हैं आप, ये शायद थोड़ा लिखने में इसमें समस्या हुई है, बोरोनाइट है ये,
इसमें चीन टॉप पे है प्रोडक्शन के मामले में, राजस्थान भारत में प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों के मामले में राजस्थान जो है वो क्या है, टॉप पे है बाई राइट। ये इसमें चीन प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे है, कजाकिस्तान रिजर्व के मामले में टॉप पे है, और आंध्र प्रदेश प्रोडक्शन प्लस रिजर्व जो पी और आर लिखा है, एक प्रोडक्शन है एक रिजर्व है, ठीक है। तो रिजर्व मतलब कहाँ से पहले से स्टोर करके रखा है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, आप तो जानते ही इतना। तो आंध्र प्रदेश बायराइट के मामले में और बोरोनाइट के मामले में चीन और राजस्थान है तुम आपका उसमें टॉप पे, बॉक्साइट में उड़ीसा है, और एबेस्टार्ट के मामले में राजस्थान है रिजर्व में, और एपेटाइट के मामले में वेस्ट बंगाल है, एल्युमिनियम में इंडिया, एल्युमिनियम के विषय में नहीं लिखा है तो इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, और इंडिया है सेकंड स्थान पे, चीन पहले स्थान पर, और एलुमिना में चीन टॉप पे है, भारत की रैंकिंग आपकी चौथी है। इसी प्रकार से अब आ जाइए कैडियम, ये क्या है, कैडियम के मामले में बात करें तो कैडियम में चीन प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे है, रिजर्व में चीन टॉप पे है, राजस्थान प्रोडक्शन के मामले में भारत में टॉप पे है, मतलब रिजर्व में कोई नहीं होगा तभी ऐसा लिखा गया है। सीमेंट की अगर हम बात करें तो चीन प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे है, भारत सेकंड स्थान पर है। क्रोमाइट की विषय में बात करें तो इसमें साउथ अफ्रीका प्रोडक्शन के मामले में है, ठीक है, कजाकिस्तान रिजर्व के मामले में टॉप पे है, भारत में अभी तक हमने बॉक्साइट के विषय में पढ़ा था, अभी फिर समझ लीजिए उड़ीसा पी और आर प्रोडक्शन और रिजर्व के मामले में क्रोमाइट के विषय में टॉप पे है। अगर हम कोयले की बात करें, यूपीपीसीएस 2022 में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, ये 2022 के प्रीलिम में, 2022 के प्रीलिम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोयला चीन प्रथम स्थान पे है और भारत प्रोडक्शन और रिजर्व के मामले, प्रोडक्शन के मामले में दूसरे स्थान पर, रिजर्व के मामले में पांचवें स्थान पर। ये देखिए भारत दूसरा लिखा है तो पी लिखा है उसके सामने, इसलिए लिखा है कि प्रोडक्शन के मामले में दूसरा स्थान, अगर फाइव लिखा है तो रिजर्व के मामले में पांचवा स्थान है भारत का कोयला का। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन में तो छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे है और झारखंड रिजर्व के मामले में टॉप पे है। कोयले को लेकर बहुत लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, लेटेस्ट डेटा अकॉर्डिंग ये समझ लीजिए छत्तीसगढ़ उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, स्टोरेज सबसे ज्यादा झारखंड में है, बस इतना याद रखिए। तीसरा स्टेट उड़ीसा भी आप नोट कर लीजिए कभी भी आता है तो। अगर उत्पादन की बात करता है तो आप पहले छत्तीसगढ़ को सबसे फर्स्ट पे रख के फिर पेयर बना लीजिए, अगर वो रिजर्व की बात करता है तो झारखंड को रख के रिजर्व वो पेयर बना लीजिए, बस इन्हीं तीन में ही सारे खेले होंगे आपके, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कोबाल्ट के विषय में, अगर हम बात करें तो कांगो, ये कांगो रिपब्लिकन है आपका, ठीक है, कांगो रिपब्लिकन है आपका, तो वहां पर प्रोडक्शन और रिजर्व टॉप पे है। उड़ीसा भारत में एक ऐसा राज्य है, अभी तक बॉक्साइट के विषय में हमने पढ़ा, उसके पहले हमने क्रोमाइट के विषय में पढ़ा, फिर हमने कोबाल्ट के विषय में देखा कि उड़ीसा राज्य कोबाल्ट के विषय में भी, रिजर्व के मामले में भी वो टॉप पे है। साधारण नमक की बात करें तो चीन उत्पादन में सबसे ज्यादा है, फिर गुजरात, भारत की बात करें तो भारत में गुजरात टॉप पे है उसका उत्पादन करने में। तांबा, ताम्र अभ्रक या अयस्क की बात करें, अयस्क लिखा हुआ है तो चील, तांबा हमेशा याद रखिए चीली या चीले, ये हमेशा टॉप पे रहा है प्रोडक्शन प्रति रिजर्व के मामले में। भारत में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश एमपी आपका प्रोडक्शन के मामले में, राजस्थान आपका रिजर्व के मामले में टॉप क्लास के रहे हैं, ठीक है। कच्चा तेल की अगर बात करें तो यूएसए प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज्यादा है, टॉप पे है, ये लेटेस्ट डेटा है, और सऊदी अरब को उसने पिछाड़ के ये अपनी रैंक पहली हासिल की है। वेंजुआला रिजर्व के मामले में बहुत ज्यादा है, मतलब कि पूरे विश्व में रिजर्व सबसे ज्यादा वेंजुआला के पास है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में तो ऑफशोर तटीय क्षेत्र है राजस्थान प्लस राजस्थान, ये प्रोडक्शन के मामले में भारत में, ऑनशोर असम अंदर की बात कर रहे हैं ये, और असम ये रिजर्व के मामले में भारत में क्या है, टॉप पे हैं। हीरा की बात करें तो हीरा वो
हीरा से नाम आया कि वो वाला हीरा मत समझ लीजिएगा, जो एक बहुत फेमस मूवी है हीरा ठाकुर वाली, सूर्यवंशम, उसका हीरा नहीं, ये हीरा दूसरा है। तो रूस प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों के मामले में टॉप पे है। भारत में मध्य प्रदेश प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों के मामले में हीरे में टॉप पे है। डोलोमाइट की अगर हम बात करें, क्या डोलोमाइट की बात करें तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है प्रोडक्शन के मामले में, और फिर मध्य प्रदेश रिजर्व के मामले में प्रथम स्थान पे है। डुनाइट के विषय में बात करें, डुनाइट डुनाइट में, अब नाम आपने नहीं सुने होंगे लेकिन पढ़ना सब जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए रख ही दे तो आप इलिमिनेट कर सकते हैं। डुनाइट के विषय में बात करें तो कर्नाटक प्रोडक्शन के मामले में और तमिलनाडु रिजर्व के मामले में भारत में टॉप पे हैं। अगर हम फिलेस्पर की बात करें तो टर्की प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे है, और राजस्थान प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों के मामले में टॉप पे है। कौन? फिलेस्पर की बात करें तो राजस्थान प्रोडक्शन प्लस रिजर्व में भारत में टॉप पे है, और वैसे पूरे विश्व में टर्की इसमें क्या है, पूरे विश्व में टर्की इसमें प्रथम स्थान पे प्रोडक्शन के मामले में है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, देख लेते हैं नेक्स्ट पे क्या है। फायर क्ले, फायर क्ले ये आपका एक खनिज है जिसमें गुजरात जो है वो प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे है, वहीं उड़ीसा आपका रिजर्व के मामले में सेकंड रिजर्व के मामले में टॉप पे है। तो देखिए प्रोडक्शन के मामले में टॉप लेवल एक अलग होता है, और उड़ी जैसे रिजर्व मामले में टॉप लेवल एक अलग बनेगा। तो आपको केवल मैंने इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर कराई हैं ताकि आप ना बस टू द पॉइंट पढ़ के सही कर लो, और यहाँ से इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांसेस बनते हैं कि बहुत पूछ ले एक आध बार, वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं। तो पीएचडी करनी है हमें, पास होना है किसी भी कीमत पर। तो उसी प्रकार से हम स्वर्ण की बात करें, पूरे विश्व में स्वर्ण सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन कौन कर रहा है, ये कई बार यूपीएससी से लेकर के यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस ये हर जगह पूछा गया है। तो आप याद रखिए कि लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग चीन प्रोडक्शन में नंबर वन पे है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया रिजर्व के मामले में, ऑस्ट्रेलिया रिजर्व के मामले में, और भारत में रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों के मामले में कर्नाटक टॉप पे है। ग्रेफाइट या ग्रेफाइट प्राकृतिक की बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में चीन, और रिजर्व के मामले में आपका तुर्की या टर्की आता है। भारत में प्रोडक्शन के मामले में अगर हम बात करें ग्रेफाइट में, तो उड़ीसा प्रोडक्शन के मामले में है, और अरुणाचल प्रदेश रिजर्व के मामले में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है, क्योंकि आपका दिमाग ही वहां तक नहीं जाएगा कि ये कभी अरुणाचल प्रदेश नाम का जो हमारे यहाँ राज्य है ये भी रिजर्व के मामले में ग्रेफाइट के हो सकता है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम की बात करें तो भारत जिप्सम के मामले में, भारत में राजस्थान प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों के मामले में टॉप पे है, और पूरे विश्व में उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। लौह अयस्क की बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे है, और रिजर्व के मामले में भी टॉप पे है। इसी प्रकार उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा प्रोडक्शन के मामले में और कर्नाटक रिजर्व के मामले में ये लौह अयस्क में टॉप क्लास के हैं। ठीक है, लेड की बात करें तो लेड चीन पूरे विश्व में प्रोडक्शन के मामले में या उत्पादन के मामले में बोल सकते हैं टॉप पे है, और ऑस्ट्रेलिया रिजर्व के मामले में टॉप पे है। भारत में प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों में टॉप पर कौन सा राज्य है? राजस्थान है। इसी प्रकार से लिग्नाइट की हम बात करें तो चीन प्रोडक्शन के मामले में, चीन एंड भारत प्रोडक्शन के मामले में, बल्कि और भारत में लिग्नाइट तमिलनाडु में प्रोडक्शन और रिजर्व सबसे ज्यादा है। भारत में तमिलनाडु में प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों सबसे ज्यादा है, वो टॉप पे है, और पूरे विश्व में चीन और भारत दोनों टॉप लेवल पे हैं प्रोडक्शन या उत्पादन के मामले में। लाइमस्टोन की अगर हम बात करें, लाइमस्टोन की बात करें तो राजस्थान प्रोडक्शन के मामले में है, कर्नाटक रिजर्व के मामले में टॉप पे है। मैग्नासाइट की बात करें हम, यूके भारत प्रोडक्शन और रिजर्व की बार प्रोडक्शन एंड रिजर्व दोनों में टॉप पे है। यूके मतलब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो चीन प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे है, रूस रिजर्व के मामले में टॉप पे है। मैग्नीज की बात करें हम,
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। दक्षिण अफ्रीका प्रोडक्शन पर नजर में दोनों में टॉप पे है। भारत में के अंदर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश प्रोडक्शन के मामले में मैंगनीज में टॉप पे है, और उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो ये छत्तीसगढ़ के साइड की जो बाउंड्रीज लगती हैं उत्तर एमपी की, उस साइड में मैंगनीज पाए जाते हैं आपके, ठीक है। उड़ीसा रिजर्व के मामले में आपके टॉप पे है। इसी प्रकार अब आगे आ जाइए, अभ्रक की बात करते हैं, चीन उत्पादन के मामले में टॉप पे है। माइका सीट भारत रिजर्व के मामले में टॉप पे है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में बीपीएससी ने 2018 में या 64वीं बीपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। और अगर हम अभ्रक की बात करें तो अभ्रक में प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों में आपका आंध्र प्रदेश टॉप पे है। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें, नेचुरल गैसेस की बात करें, तो यूएसए प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे है पूरे विश्व में। रूस रिजर्व के मामले में है, इसीलिए देखिए यूक्रेन और यूरोपियन कंट्री के बीच में मतलब आजकल तनी तना बहुत ज़्यादा चल रही है। और रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से रूस ने सप्लाई चैन बंद कर दी है यूरोपियन कंट्री की, इसीलिए इसमें पर महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर उस साइड बढ़ गई है। 50-50% महंगाई बढ़ी हुई है क्योंकि उन्होंने गैस की सप्लाई बंद कर दी है। तो जब गैस की सप्लाई बंद कर दी तो वो और कहीं से खरीदेंगे तो बहुत महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए तो यही कंडीशन होगी। जैसे अगर आजकल देखें आप तो चीन इतनी धमकियां क्यों देता है, वो इसीलिए देता है कि बहुत सारे देश उसके ऊपर सप्लाई चेन के उसके सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए वो धमकियां दे दे के अपने काम और अपनी बातें को मनवा लेता है। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि प्राकृतिक गैस में रूस रिजर्व में और यूएसए प्रोडक्शन के मामले में। भारत की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों में आसाम आपका टॉप लेवल पे है। निकल की बात करें तो इंडोनेशिया प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों में है। और निकल भारत में कहाँ पाया जाता है या सबसे ज्यादा स्टोरेज कहाँ पे है, तो वो है उड़ीसा में। फास्फोराइट की बात करें तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे हैं। और इसी प्रकार से रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश उड़ीसा रिजर्व के मामले पे टॉप दो इसके प्रोडक्शन के और टॉप दो रिजर्व के। प्लेटिनम की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों में टॉप पे है पूरे विश्व में। और भारत में की बात करें तो भारत में रिजर्व के मामले में टॉप क्लास पे उड़ीसा है और सेकंड क्लास पे कर्नाटक है। राक फास्फेट की बात करें तो चीन उत्पादन के मामले में पूरे विश्व में टॉप क्लास पे है। और मोरक्को रिजर्व के मामले में टॉप क्लास पे है। राजस्थान भारत में प्रोडक्शन के मामले में टॉप है। झारखंड रिजर्व के मामले में टॉप है। तो आप इनको भी इम्पोर्टेंट आप छाप मारिए और ये आपको कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट दे के जा सकते हैं एग्जाम में। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट लगाइए इन पे और फिर इनको पढ़िए। मैस्को आपका है प्रोडक्शन के मामले में, मैस्किको, और फिर पेरू आ जाता है रिजर्व के मामले में, पूरे विश्व में टॉप पे है। भारत में राजस्थान में प्रोडक्शन प्लस रिजर्व सबसे ज्यादा चांदी का पाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों राजस्थान में पाया जाता है। हम स्टील की बात करते हैं तो पूरे विश्व में स्टील चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है प्रोडक्शन के मामले में। इसी प्रकार से टिन की बात करें तो चीन प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों के मामले में पहले स्थान पे है। भारत की बात करें तो भारत में छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे है। हरियाणा आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछ सकता है। तो हरियाणा आपका रिजर्व के मामले में टॉप है। यूरेनियम ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर यहां से पूछ लेते हैं। कजाकिस्तान प्रोडक्शन के मामले में है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया रिजर्व के मामले में है। और भारत में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां प्रोडक्शन प्लस रिजर्व दोनों के भंड दोनों का दोनों जो यूरेनियम का भंडारण है वो टॉप क्लास का है। तो उसमें आपका आंध्र प्रदेश आता है जहां पर प्रोडक्शन भी टॉप लेवल पे होती है और रिजर्व भी टॉप लेवल पे। और पूरे विश्व की बात करें तो कजाकिस्तान उत्पादन में और रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत जरूरी है याद रखिएगा। टंगस्टन की बात करें तो चीन प्रोडक्शन प्लस रिजर्व में पूरे विश्व में टॉप क्लास पे है। और भारत में अगर रिजर्व की बात करें तो उत्पादन तो नहीं होता टंगस्टन का, लेकिन रिजर्व की बात करें तो रिजर्व स्टोरेज कर्नाटक और राजस्थान में है। जिंक की बात करें तो प्रोडक्शन में चीन
पूरे विश्व में नंबर वन है, ऑस्ट्रेलिया रिजर्व में पूरे विश्व में नंबर वन है, राजस्थान आपका पीआर पीआर मतलब प्रोडक्शन प्लस रिजर्व टॉप क्लास पे है। इसी प्रकार से लौह अयस्क हेमेटाइट की बात करें, कर्नाटक गोवा उड़ीसा प्रोडक्शन के मामले में टॉप 3 या टॉप 5 कर सकते हो कि कर्नाटक गोवा उड़ीसा प्रोडक्शन, उड़ीसा झारखंड ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो जितना आप लोगों ने ये देखा ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अब आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये दे के जाएगा, आपको पढ़ने में निकालने में बहुत सारा समय बर्बाद होता, इसलिए इसको लेके आए हैं फिर से कोई नया टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ से ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं वो लेके आएंगे। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, लेटेस्ट मिनरल डेटा कंप्लीट हो गया आपका, इसके बाद फिर कुछ संस्थानों के नाम लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान जो यूपी के हैं, हिंदुस्तान भर के कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान हैं उनके विषय में हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि एग्जाम में अगर आपने सुन भी रखा है ना तो टिक मार के आप सही आ सकते हो। तो उनके विषय में हम लोग पूरी तरह कंप्लीट डिस्कस करेंगे एक एक चीज को, चाहे वो 15 मिनट की वीडियो बने चाहे वो 30 मिनट की वीडियो बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।